मुझसे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यार ये CI/CD क्या होता है, तो आज के इस वीडियो में यही चीज़ आंसर कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं प्रॉब्लम जो सॉल्व की जाती है CI/CD के द्वारा वो ज़रा बता देता हूँ। आप लोग पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सुन लो, कहानी को सुन लो। एक बार कहानी को आपने सुन लिया तो उसके बाद आपको जो है पता चल जाएगा अपने आप ही CI/CD पाइपलाइन क्या होती है और क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको। तो यार बहुत पहले अर्ली डेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होता क्या था, ना ही गिट होता था, ना ही कुछ CI/CD नाम की चीज़ होती थी, भूल जाते हैं इन सब चीज़ों को। आप लोग एक सर्वर बनाते हैं, एक सर्वर बनाने के बाद आप लोग उस पर कुछ काम करते हैं, मान लो एक वेबसाइट बनाते हैं, और एक बार आपने वेबसाइट उस पर बना दी तो आप डेफिनेटली चाहेंगे कि आप उसको जो है यूज़र्स को दिखाएं, डिप्लॉय करें उसको, ठीक है। अब इस डिप्लॉयमेंट को आपने जो है अपने प्रोडक्शन सर्वर में कॉपी कर दिया। मान लो एक डेवलपमेंट सर्वर था आपका, एक कंप्यूटर था लोकल जिसमें आप डेवलपमेंट कर रहे थे, आपने वहाँ से उठा के फाइल्स को कॉपी कर दिया FTP के द्वारा सर्वर पर। अब आपने जब इन फाइल्स को सर्वर पर कॉपी करा तो आपने ना ही टेस्टिंग करी, ना ही आपने कोई बिल्ड करा, आपने डायरेक्टली सब कुछ अपने कंप्यूटर में करा, वहाँ पर कुछ नहीं किया, वहाँ पर आपने जो है डायरेक्टली बिल्ड को डाल दिया। आपने टेस्टिंग वेस्टिंग बिल्कुल भी नहीं करी, अगर करी भी तो लोकल में करी, यहाँ पर नहीं करी। अब हो क्या सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पर एक्चुअल में जहाँ पर कोड को चलना है वहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो कि शायद यहाँ पर नहीं आ रही थी, यहाँ पर वो आ जाए। मान लो आप कोई फोल्डर बनाना भूल गए किसी डायरेक्टरी में, मान लो आपने लॉग फाइल का फोल्डर की परमिशन सेट नहीं करी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर उस तरह की कोई चीज़ फंस जाती है यहाँ पर आपके प्रोडक्शन सर्वर में, जहाँ पर एक्चुअल में आप लोग अपने यूज़र्स को दिखाते हो अपने प्रोडक्ट को, तो आपको जो है डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पर, आपके यूज़र्स को डाउन टाइम फेस करना पड़ेगा वेबसाइट पर, और आपके यूज़र्स बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होंगे आपसे, और आप नहीं होंगे उस सर्वर से और अपने आप से। तो करना क्या चाहिए, अब एक और सिनेरियो आप लोग को बताता हूँ इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि करना क्या चाहिए। अब मान लो कि दो लोग एक ही वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, आपने अपना सेट ऑफ फाइल्स जो है वो कॉपी कर दिए सर्वर पे। अब मान लो इस फाइल को अपडेट करने का टाइम आता है, ये जो बंच ऑफ फाइल्स हैं जो कि सर्वर पे पड़े हुए हैं इनको अपडेट करने का अगर टाइम आप लोगों ने चुना, मान लो 12 बजे, लेट अस से एक दूसरी कोई लड़की है अलीना, उसने भी यही टाइम चुना जिस टाइम पर इस लड़के लविश ने चुना टाइम, ठीक है। मान लो लविश ने कहा कि यार मैं 12 बजे डालूंगा फाइल्स को, 3 फाइल्स मैं अपडेट करना चाहता हूँ। अलीना ने कहा मैं भी 12 बजे डालूंगी और मैं भी इन 3 फाइल्स को जो है अपडेट करना चाहती हूँ। लेट अस से अलीना ने एक दूसरी फाइल भी अपडेट कर दी एज अ पार्ट ऑफ हर अपडेट, और उसके अपडेट के हिसाब से वेबसाइट बिल्कुल सही चलती है, और लविश के अपडेट के हिसाब से उसकी वेबसाइट बिल्कुल सही चलती है। अब हुआ क्या, सर्वर ने आधी फाइल्स ले ली अलीना से, आधी फाइल्स लेनी लविश से, और सर्वर ब्रेक हो गया, कोड जो है वो रन हो नहीं पाया, वेबसाइट जो है डाउन हो गई, और आपके जो यूज़र्स हैं वो डाउन टाइम फेस करेंगे। अब तो इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमको एक कोड रिपोजिटरी चाहिए, जहाँ पर हम लोग एक जगह पर कोड को रख सकें, वहाँ पर सब लोग कोड चेक इन करेंगे, और उस कोड रिपोजिटरी में अपने आप इस तरह के चेक्स होंगे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधी फाइल्स एक से ले ली, आधी फाइल दूसरे से ले ली। जब भी उस कोड रिपोजिटरी में पुश किया जाएगा तो सबसे पहले एक इंसान के चेंजेस को लिया जाएगा, उसके बाद दूसरे के चेंजेस को लिया जाएगा, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको एरर रिपोर्ट किया जाएगा। तो ये जो कोड रिपोजिटरी है, आजकल गिट है हमारे पास, हम लोग SVN भी यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत हमारे पास जो वर्जन कंट्रोल सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं, बट गिट इज़ मोस्ट पॉपुलर। और अगर आप लोग ऑनलाइन गिट रिपोजिटरीज को होस्ट करने की सर्विसेज की बात तो GitHub है हमारे पास, तो GitHub को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्सटेंसिवली। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि एक CI/CD पाइपलाइन बनाते हैं। अब ये CI/CD की फुल फॉर्म क्या होती है, CI stands for continuous integration and CD stands for continuous delivery। कहने का मतलब ये है कि आप इंटीग्रेट करते रहो अपने चेंजेस को। आपने एक बार facebook.com बना दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने एक बार बना दिया तो काम हो गया, आप उसको अपडेट भी करते रहो। कोई नया चेंज है तो वो पुश कर दो, कोई नया चेंज है दोबारा से पुश कर दो, और ऐसे पुश करो कि आपके यूज़र को डाउन टाइम ना मिले। ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं एक नया चेंज पुश कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ सब लोग। आप ये नहीं बोल सकते फेसबुक यूजर्स से, लोग तो ये बोलेंगे #FacebookDown #FacebookDown, ट्विटर पे सब लोग ट्रेंड कर देंगे, आपकी फेसबुक कंपनी बदनाम हो जाएगी। तो एज फेसबुक आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी वेबसाइट डाउन होने की खबर फैले और आपको बदनाम करे। आप क्या चाहेंगे, आप एक ऐसा सिस्टम चाहेंगे कि आपकी कोड रिपोजिटरी में आपने अपने चेंज को पुश किया, एक सिस्टम है जो कि आपके उस कोड रिपोजिटरी से सारा कोड लेकर कोड को बिल्ड करता है। वैन आई से बिल्ड का मतलब ये है कि आपका जो कोड है वो रॉ फॉर्म में होता है, अब उसको यूज़ करने के लिए बिल्ड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर कोड C++ में है
उसकी EXE बनानी पड़ेगी, अगर एंड्रॉयड कोड है तो आप लोग को उसकी APK बनानी पड़ेगी। तो बिल्ड करके यूजेबल फॉर्म में आप लोग उसको बना लें, फिर उसको टेस्ट करें, और टेस्ट करने के बाद ही आप क्या करें, जो प्रोडक्शन सर्वर है उसके अंदर फाइल्स को कॉपी करें। प्रोडक्शन सर्वर में आपको तब तक फाइल्स कॉपी नहीं करनी है जब तक कि आप 115% श्योर नहीं हो कि आपने जो भी फाइल्स कॉपी करी हैं वो काम करने वाली हैं। तो आपको ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बनाना पड़ता है। अब इस सिस्टम को बनाने के बहुत सारे हमारे पास टूल्स भी आते हैं, उनकी बात मैं अभी करूँगा, बट ये पूरे सिस्टम को CI/CD पाइपलाइन कहते हैं, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। यानी कि जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप अपने चेंजेस को इंटीग्रेट करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप अपने यूजर्स को चेंजेस रोल आउट करते जा रहे हैं, और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको जैसा गूगल 2015 में दिखता था वैसा ही गूगल आप लोगों को 2035 में भी दिखे, या फिर फेसबुक जैसा आपको 2020 में दिखता था वैसे ही आपको 3020 में भी दिखे। ऐसा कभी नहीं होगा, चेंजेस करते रहेंगे लोग, और इसको करने के लिए CI/CD पाइपलाइन का इस्तेमाल होता है। अब CI/CD पाइपलाइन कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हो, आप लोग कौन सा टूल इस्तेमाल कर सकते हो, क्या आप ऐसा कोई कोड खुद से लिखोगे? तो यार इसका जवाब तो ये है कि आप लोग खुद से बिल्कुल भी नहीं लिखोगे ऐसा कोई भी कोड। इस काम को करने के ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल जेनकिंस इज़ वन। जेनकिंस इस टूल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो कि आप लोगों को पूरा का पूरा एक सर्वर सेटअप करने में मदद करता है, और बिल्डिंग टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट में आप लोगों को मदद करता है, बहुत सारे ऑप्शंस देता है, और आप लोग ऑटोमेट कर सकते हो इस सब चीज़ को। एक दूसरा एग्जांपल है Azure पाइपलाइंस, आप लोग Azure पाइपलाइंस इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी आप लोग को बिल्डिंग एंड टेस्टिंग में मदद करता है, और फाइनली आप अपने प्रोडक्शन सर्वर पे अपने कोड को डाल सकते हो। तीसरा एक और मैं आप लोग को सबसे मज़ेदार तरीका बताऊंगा CI/CD पाइपलाइंस लिखने का, और वो है GitHub Actions। अभी GitHub ने लॉन्च कर दिया है एक Actions नाम का बटन, आप लोग उस बटन पर क्लिक कर सकते हो, एक्शंस करके आता है। अगर आप लोग एक GitHub रिपोजिटरी बनाओगे तो वहाँ पर क्लिक करोगे तो आप एक्चुअल में अपनी CI/CD पाइपलाइन वहीं पर लिख सकते हो। कभी ट्यूटोरियल करेंगे इसी चैनल पे, मज़ा आएगा। मैं पर्सनली GitHub एक्शंस यूज़ करता हूँ और इट वर्क्स जस्ट फाइन एंड इट वर्क्स अमेजिंग। सो आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को आइडिया लग गया होगा कि CI/CD पाइपलाइन क्या होती है, और CI/CD पाइपलाइन आपको एक सीरियस प्रोजेक्ट के लिए क्यों इस्तेमाल करनी चाहिए। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू next time.